कैसा ग्रह है बिट्टू? कुत्ता। ये ऐनक तुमने 6 बार तोड़ ली है, बच्चे हो तुम अब। ऐनक नहीं बनवा दो, ऐसा करता हूँ तुम्हें मैं लोहे की ऐनक बनवा देता हूँ। हाँ, गाड़ी तो मैंने परचेज कर ली है। अब वो जो आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था उसके लिए मैं तुझे 2.5 लाख रुपए भेज रहा हूँ। कोई अच्छा सा होटल बुक करवा। मुझे कोई रहने में मसला नहीं होना चाहिए। कैसा ग्रह है बिट्टू? कुत्ता। ये कैसे बद तहजीब बच्चे हैं। माँ बाप ने इन्हें नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत क्या होती है। काश माँ बाप ने इनको वो तरबियत दे दी होती जो दीन के अंदर है कि बड़ों की इज्जत कैसे करती है, एहतराम क्या होता है बड़ों का। ये ऐनक टूट गई है, वो लड़कों ने मुझे धक्का दिया, मैं उसमें लग गया खंबे में। मरम्मत कर दें, कितने पैसे लगेंगे? ये अंकल आपके 1000 रुपये लगेंगे। 1000 रुपया? मेरे पास 200 रुपया है, उसमें नहीं हो जाएगा? नहीं अंकल, माफ कर सकते, इतने में कर दें। नहीं, आप कहीं और करा लें, यहाँ पर कहीं नहीं। हाँ हेलो, हाँ जमीन का बयाना मैंने दे दिया है, पूरा 1.5 करोड़ का दिया है। हाँ, और वो कह रहा था कि बेटा, चल रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बेटा। हाँ बाबा, आगे बोल। बेटा वो दो लड़कों ने मुझे धक्का दिया, मैं पोल में लग गया और मेरी ये ऐनक टूट गई है। मैं मरम्मत करवाने गया तो उसने 1000 रुपया मांगा, मेरे पास नहीं था। ये ऐनक तुमने 6 बार तोड़ ली है, बच्चे हो तुम अब। ऐनक नहीं बनवा दो, ऐसा करता हूँ तुम्हें मैं लोहे की ऐनक बनवा देता हूँ। इसी को रिपेयर करवा। जो औलादे माँ बाप की नाफरमान होती है वो हवा में भी उड़े, वो चरख पे भी झूले, वो जमीन पे गिरने वाली होती है। कभी कामयाब नहीं हो सकती वो औलादे जो माँ बाप की गुस्ताख, बेअदब और नाफरमान होती है। वही औलादे सरखुरु, कामयाब और कामगार और बाबुराद होती हैं जो माँ बाप की खिदमत करती हैं, माँ बाप की दुआएं लेती।